हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीथिंग बायो। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एंजियोस्पर्म के बारे में। और यहाँ पे मैंने लिख के रखा है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर स्टडी मटेरियल, या तो फिर अगर कुछ नोट्स होगा तो मैं यहाँ पे डालूँगी। और इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस पेपर देने वाली हूँ, प्रोवाइड करने वाली हूँ इस चैनल में एवरीथिंग बायो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है जो कि आप कमेंट में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माई मेल ID, यू कैन मेल हियर। और इसके साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल में भी इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हुआ तो। ये था इन्फॉर्मेशन और हाउ यू कैन रीच आउट टू मी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो लास्ट जो वीडियो था प्लांट किंगडम का ही चल रहा था, तो लास्ट जो वीडियो था वो जिम्नोस्पर्म का था। जिम्नोस्पर्म के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग पढ़े हैं, तो इस वीडियो में एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, जैसे कि पोलन ग्रेन होता है वगैरह वगैरह, ये सब उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी ड्राइंग चलेगी, यहाँ पे भी हम लोग समझ समझ के ड्रॉ करते हुए ही पढ़ेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट बोल के ऑलरेडी एक चैप्टर हम लोग की 12th में है, राइट। तो हम लोग उस चैप्टर में पूरे चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। तो एंजियोस्पर्म के बारे में जो बेसिक आइडिया है यहाँ पे आपको मिलेगा, और NCERT में जितना पूरा मेंशन किया गया है उसको हम लोग थ्रू आउट द पिक्चर्स ड्रॉ करके हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। तो एंजियोस्पर्म का ऑब्वियसली, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर्स रहते हैं, दिस आर द फ्लावरिंग प्लांट। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज कोई भी फ्लावरिंग, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली आप लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़े हैं कि क्या क्या रहता है यहाँ पे प्रेजेंट, थैलस किसको बोलते हैं, ओव्यूल कहाँ से आती है, पेटल्स क्या है, सेपल्स क्या है ना। और फिर इस तरफ एक, और इसके साथ साथ एंथर को कुछ अलग कलर करती हूँ। तो यहीं पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये था एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर enclosed in fruits। तो हम लोग जैसे कि फ्रूट्स देखते हैं, फ्रूट्स एंजियोस्पर्म का ही हिस्सा है। हम लोग इसके पहले जो जिम्नोस्पर्म देख रहे थे, जिम्नोस्पर्म में सीड्स प्रेजेंट था लेकिन वो नेकेड था। इवन जो भी फ्लावरिंग अपरेटस थे, फ्लावर तो नहीं थे, जो भी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, या तो फिर मतलब पूरा एक कोई कवर्ड एरिया में नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक ऑर्गेन के जैसे प्रेजेंट है, जहाँ पे ये पूरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं और वहाँ पे अलग से एक मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, एक फीमेल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, और फिर वो फर्टिलाइजेशन के लिए अलग एक सिचुएशन होती है, राइट। तो द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट ऑकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। दे रेंज इन द साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट उल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फिल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। दे आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, दैट इज डाइकोटाइलिडन्स एंड मोनोकोटाइलिडन्स। The dicotyledons are characterized by seeds having two cotyledons. तो हम लोग अगर dicot और monocot को अगर देखते हैं, तो dicot कैसा होता है, दो cotyledons present होते हैं, right?
दो कोटाइलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, एक तरफ से ऊपर के तरफ से, यहाँ से ये जो चीज़ रहती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ ये बाद में स्टेम में डिवाइड होता है और फिर ये चीज़ रूट्स बनाता है, राइट। और यहाँ पे वन एंड टू, टू कोटाइलिडन्स आर प्रेजेंट और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकॉट या तो फिर डाइकोटाइलिडन्स। और इसके साथ साथ अगर मोनोकॉट देखते हैं तो मोनोकॉट जैसे कि कुछ जगह में हम लोग कुछ कुछ मोनोकॉट मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पे हम लोग मोनोकॉट देखते हैं और यहाँ पे एक ही सिंगल कोटाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकॉट या मोनोकोटाइलिडन्स, ठीक है। एक कोटाइलिडन्स प्रेजेंट होता है मोनोकोटाइलिडन्स बोलते हैं, दो कोटाइलिडन्स प्रेजेंट होता है डाइकोटाइलिडन्स बोलते हैं। तो ये मोनोकॉट और डाइकॉट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती है, ठीक है, प्लांट के जो स्टेम के स्ट्रक्चर को लेके, इसके साथ साथ जो वेरियस चीज़ है नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती है। सो जैसे कि टू कोटाइलिडन्स रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स हैविंग फोर और फाइव मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्स। द मोनोकोटाइलिडन्स ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज बाय सिंगल कोटाइलिडन्स सीड्स पैरेलल वेनेशन इन लीव्स एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स हैविंग थ्री मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्स। तो यहाँ पे हम लोग जब एक मोनोकॉट और डाइकॉट के अगर प्लांट को अगर देखें तो वहाँ पे क्या होता है, अच्छा दूसरा एक लेते हैं शीट। तो देखो जो पैरेलल विनेशन होती है वो कैसी होती है, सपोज दिस इज द लीफ और फिर यहाँ पे, ओ माय गॉड वन सेकेंड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये मिडरिब प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मिडरिब के साथ पैरेलल होके इसका ये वेन्स रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल विनेशन। और ऐसे ही पूरे जो ये जो पत्ता है ना, ये पूरे पत्ते में ये ऐसा रहेगा, पैरेलल विनेशन होगी, पैरेलली अरेंज्ड रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे दिखता है, मोनोकॉट में होता है ये। और जो रेटिकुलेट विनेशन होती है, रेटिकुलेट विनेशन कैसी होती है, सपोज दिस इज द फ्लावर, सॉरी दिस इज द लीफ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज द मिड रिब, और मिड रिब के साथ यहाँ पे अलग अलग वेनलेट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये ऐसे वेन्स प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे भी छोटे छोटे वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऐसे जाल जैसे फैलाया हुआ रखता है पूरे पत्ते में, ऐसे जाल जैसा फैला हुआ रहता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिक्यूलेट विनेशन। और ये कहाँ पे मिलता है, डाइकॉट में, डाइकॉट प्लांट्स में हम लोग देखते हैं ऐसा रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला है, रेटिकुलेट विनेशन इन द लीव्स एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस, टेट्रा मतलब चार रहेगा या पेंटा मतलब पांच रहेगा होल्स, हैविंग फोर और फाइव मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्स। सो फ्लोरल होल्स जितना रहेगा उसके ऊपर से ये नाम है। द मोनोकॉट्स आर अदर हैंड क्या होता है, सिंगल कोटाइलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया है, एंड पैरेलल विनेशन होता है इन द लीव्स एंड ट्राइमेरस मतलब तीन फ्लोरल होल्स प्रेजेंट होंगे, एंड द मेल सेक्स ऑर्गन्स इन द फ्लावर इज द स्टेमन, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। यहाँ पे देखो, रुको एक सेकेंड, पहले इसको देख लेते हैं और क्या क्या लिखा है। विद इन द एंथर द पोलन, विद इन द एंथर द पोलन मदर सेल डिवाइड्स म्यूसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स विच मेच्योर्स इन टू पोलन ग्रेन्स। ओके, तो जैसे कि इस पिक्चर में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है और ये स्लेंडर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, और ये दोनों ही मिला के क्या है, स्टेमन बोला जाता है इसको, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो इसी जो ये जो एंथर है, ये एंथर बाइलोब्ड होता है, ठीक है, और ये बाइलोब्ड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दो यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट है और इसी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस चीज को थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करो उसके साइज को, और यहाँ पे एक्चुअली ये टेट्रामेरस होता है, तो सपोज दिस लाइक दिस, और यहाँ से ये स्टॉक जैसे ये
सॉरी ये फिलामेंट प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज द बायलोब्ड एंथर जो भी मैंने यहाँ बताया बनाया। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये जो एक एक सेल है ये सेल बाद में मियोसिस करता है और फिर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये बाद में क्या करेगा, ये जो एक एक जो सेल्स है दीज आर कैपेबल ऑफ मियोसिस, ठीक है, तो ये मियोसिस करता है। मियोसिस करके ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। मैं पूरे प्रोसेस में नहीं जा रही हूँ क्योंकि कोई मतलब इस यहाँ पे हम लोग की ज़रूरत नहीं है। तो मियोसिस करता है और मियोसिस करके यहाँ पे चार सेल्स बनते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये पोलन ग्रेन बनती है। पोलन ग्रेन में, पोलन ग्रेन दो टाइप के सेल, पोलन ग्रेन में दो टाइप के सेल्स रहता है, ठीक है। एक होता है क्या, वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जेनरेटिव सेल। दोनों का ही प्लॉयडी क्या होता है, एन। अब कुछ सेल में, ठीक है, कुछ पोलन ग्रेन में, जैसे कि 60% ऑफ द पोलन ग्रेन, उसमें क्या होता है कि 60% ऑफ द पोलन ग्रेन में क्या होगा कि हम लोग जब देखेंगे वो, सपोज मैं पहले आपको स्टोरी बता देती हूँ। देखो ये एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। ये एंथर और फिलामेंट बेसिकली क्या है, स्टेमेन का पार्ट है। स्टेमेन क्या है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंथर बाइलोब था, ये एंथर के अंदर ये जो लोब्स है, इस लोब्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एक एक जो सेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब ये क्या करता है, मियोसिस करता है, और मियोसिस करके वो क्या करेगा, ये पहले ये सारे के सारे 2n है, ठीक है, ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है। तो पहले पूरा प्लांट बॉडी जो है, यहाँ पे ये जो प्लांट बॉडी है, ये जो फ्लावर है, ये सब कुछ अभी क्या है, स्पोरोफाइट है, दिस इज स्पोरोफाइटिक फेज में है और ये 2n है, इसका प्लॉयडी 2n है, ये सारे 2n है। इसके बाद क्या होता है, मियोसिस के बाद रिडक्शन डिवीजन होती है मियोसिस। तो एक सेल ये जो 2n था, ये 2n से ये वापस क्या करेगा, चार सेल बनाएगा n, ठीक है, n सेल बनाया। अब ये एक सेल क्या करता है, फिर वो खुद के अंदर माइटोसिस चलाता है, ठीक है, और फिर ये दो सेल यहाँ पे जनरेट होती है। एक होता है वेजिटेटिव सेल जिसका प्लॉयडी भी n ही है क्योंकि ये चारों के चारों एन है, और ये यहाँ पे ये जो बन गया है, मतलब आफ्टर मियोसिस, आफ्टर मियोसिस के बाद यहाँ पे जो चार सेल्स बने हैं और फिर इसका जो प्लॉयडी हुआ है एन, इसके बाद ये माइटोसिस करता है, ठीक है। और माइटोसिस करने के बाद इसके अंदर ये दो टाइप के सेल्स जनरेट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल जो कि साइज में थोड़ा सा बड़ा है, और एक होता है जनरेटिव सेल जो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पोलन ग्रेन मैंने बनाया, और इसी पोलन ग्रेन में क्या है कि एक वेजिटेटिव सेल है, और दूसरा है जनरेटिव सेल, ठीक है। अब इसी पोलन ग्रेन मतलब यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स देखते हैं। दो टाइप्स क्या है कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, जैसे देखो इसके पहले जो हम लोग एंथर देख रहे थे, एंथर के बाद यहाँ पे मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रहेंगे, फिर मियोसिस होगा, फिर यहाँ पे एक पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है, ये सब तो ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब ये एंथर जब मतलब मैच्योर करता है, मैच्योर होने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब सूख जाती है। तो जैसे सूख जाती है, तो वो सूख जाने के बाद क्या होता है, अंदर में ये जो पोलन ग्रेन्स बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है और फिर इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन बन रहा है। तो
इसके बाद पोलन ग्रेन बन के वो रखा हुआ है, राइट, यहाँ पे जमा हुआ है ये पोलन ग्रेन। तो धीरे धीरे जैसे मेच्योर होती है और यहाँ पे अंदर में पोलन ग्रेन भी बन चुका है, तो क्या होता है, ये जो बाहर का लेयर है ना, ये धीरे धीरे डेहिसिस हो जाते हैं। और फिर ये जैसे कि कोई भी एक बलून के अंदर अगर कुछ छोटे छोटे चीज़ आप रख दे रहे हैं और फिर कुछ देर बाद अगर वो बलून फट जाता है और फिर क्या होता है, अंदर की चीज़ बाहर आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है कि धीरे धीरे ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं और डिहाइड्रेट होने के बाद ये डहीज हो जाते हैं। जैसे डहीज होते हैं, ये अंदर में जो जो भी पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट था वो आउट हो जाता है। और फिर आउट होने होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म, जितने सारे एंजियोस्पर्म हम देखते हैं उसमें से 60% एंजियोस्पर्म किस सिचुएशन में डेहिस होता है, मतलब किस सिचुएशन में वो पोलन ग्रेन निकल के आता है, ये जो वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल, ये जो टू सेल स्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टू सेल स्टेज। ये कैसा होता है, ये एक वेजिटेटिव सेल रहेगा और एक जेनरेटिव सेल रहेगा, ठीक है, एक वेजिटेटिव और दूसरा रहता है जेनरेटिव। इस सिचुएशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू सेल स्टेज, ओके। और जो 40% है, 40% में क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे, ये है 40% वाला, ठीक है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है ये अब क्या करेगा, एक तो वेजिटेटिव सेल इसके पास प्रेजेंट है ही, ओके, लेकिन ये जो जेनरेटिव सेल प्रेजेंट है ये दोबारा माइटोसिस करेगा, ठीक है। और फिर माइटोसिस करके दो मेल गैमेट जेनरेट करता है, ठीक है, एन, प्लॉइडीज की भी एन होती है, तो यहाँ पे मेल गैमेट जनरेट हुई है, मेल गैमेट जनरेट हुई है, और ये क्या था, वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट था। तो अभी इस पोलन ग्रेन के अंदर कितने सारे सेल है, तीन सेल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री सेल स्टेज, ओके। तो ये था कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है वेजिटेटिव और जेनरेटिव, और दूसरा क्या होता है, थ्री सेल स्टेज, जो कि 40% एंजियोस्पर्म डेहिस करने के टाइम में इस सिचुएशन में वो लोग निकल के आते हैं, क्या है, वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट। अब ये तो था कि कैसे पोलन ग्रेन का सिचुएशन क्या रहता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, राइट, और ये सारे के सारे सब एन है, मैंने यहाँ पे प्लॉइडी भी लिख दी है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट था, ये था क्या, स्पोरोफाइट जो स्टेज में, ये 2N था, यहाँ पे भी ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, दीज आर ऑल्सो 2N। इसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ अ स्वॉलन ओवरी एट इट्स बेस and long slender style and stigma inside the ovary, ovules are present and generally each ovule has megaspore mother cell that undergoes meiosis to form four haploid megaspores, three of them degenerate and one divide to form the embryo sac, each embryo sac has three celled egg apparatus, one egg cell, two synergids, three antipodals and two polar nuclei, theek hai, dekho yahan pe maine jo पिक्चर यहाँ पे बताई है, यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द मतलब हम लोग फिर से इस सिचुएशन में जा रहे हैं, ठीक है, ये जो मतलब इस जगह में, जैसे कि इनसाइड द ओवरी विद इन द माइक्रोस्पोर विद पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ अ स्वॉलन ओवरी एंड इट्स बेस्ड एंड लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये पोजिशन में अगर हम लोग देखते हैं, सो दिस इज द ओके स्टिग्मा लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल एंड ओवरी, ये क्या है, ये है थैलेमस, ओके। तो ये ओवरी के अंदर यहाँ पे प्लेजेंटा प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, दिस इज द ओवरी और इसके अंदर क्या होता है, प्लेजेंटा प्रेजेंट होती है और ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि इसके अंदर
मतलब हम लोग देखे हैं एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे सारे के सारे टू एन है, तो ये भी इसका भी जो ये भी स्पोरोफाइट के अंदर ही प्रेजेंट है, इसके जो सेल्स है वो भी टू एन ही है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग मतलब ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ओवरी है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग पढ़े हैं, जनरली ईच ओव्यूल हैज़ मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म फोर हैप्लॉयड मेगास्पोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ओव्यूल के अंदर अब हम लोग देख रहे हैं, ओव्यूल के अंदर एक बहुत सादा मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसी मेगास्पोर मदर सेल्स में ये मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है, ऑल ऑफ देम आर टू एन प्लॉइडी होती है इनकी, ठीक है, सारे के सारे टू एन है। और ये जाता है क्या, अंडर मियोसिस, ओके, दीज आर द मेगास्पोर मदर सेल अनादर थिंग मैं भूल गई यहाँ पे बताया, वो है कि ये जो पोलिन ग्रेन है जिसको हम लोग पोलिन ग्रेन बोल रहे हैं, दिस इज द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं मेगास्पोर मदर सेल, और इसका अभी क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस होके ये चार ऑब्वियसली प्लॉइडी इसका क्या होगा, एन है ना, चार ऐसे सेल बनाएंगे, और चार सेल बनाएंगे लेकिन इनमें से तीन क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो तीन सेल क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, और डीजनरेट होके एक ही सेल बचेगा। अब ये एक सेल, ये इकलौता सेल क्या बनाता है, एम्ब्रायो सैक बनाता है, ठीक है, क्या बनाएगा, एम्ब्रायो सैक। अब ये एम्ब्रायो सैक क्या होता है, ठीक है, एम्ब्रायो सैक को और एक अलग जगह में मैं ड्रॉ करूंगी, देखो ओके। यहाँ पे पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नाउ दीज आर द सो ये क्या है, एंटीकोडल्स, दिस इज द सेंट्रल सेल, ये है पोलर न्यूक्ली, दिस इज द एग, ये है सिनर्जिट्स एंड दिस इज फिलीफॉर्म apparatus। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, और ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैलाजल एंड।
तो ये हो क्या, किस चीज़ का पिक्चर है ये? एम्ब्रायो सैक है ना। दिस इज एम्ब्रायो सैक। तो ये है एम्ब्रायो सैक। अब क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि ये सैलाजल एंट रहती है और माइक्रोपाइलर एंट रहती है, तो यहाँ पे जो हम लोग देखे थे पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में क्या होता है, वेजिटिव सेल और एक जनरेटिव सेल होती है। तो यहाँ पे एक सेल क्या करेगा, ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। तो यहीं पे फ्लावर का पिक्चर है ना। तो जब फ्लावर, अभी एंथर धीरे 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 क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, और मैच्योर होने के बाद वो क्या करता है, मैच्योर होके वो वापस से अभी पोलन ग्रेन क्या करेगा, डहिस करेगा। ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन को निकालेगा। अब जैसे ही ये यहाँ पे पोलन ग्रेन हुआ, पोलन ग्रेन मतलब अभी क्या बोलते हैं, डिजनरेट हुआ है एंथर्स, और धीरे धीरे वो पोलन ग्रेन निकल गया। उसके बाद ये यहाँ पे पोलन ग्रेन डालता है। ठीक है, ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा के पोर्शन में पोलन ग्रेन लैंड करता है, पोलेंस लैंड करता है। ठीक है, और ये पोलन, ये स्टिग्मा में लैंड करने के बाद क्या करेगा, ये जो स्टाइल है, स्टाइल के अंदर से जाते हुए यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड तक आएगा, जहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है। और इसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे चलाजल एंड में जाना है या माइक्रोपाइलर एंड में जाना है, क्योंकि ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वहाँ पे, जो फिलीफॉर्म एपरेटस मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिस फिलीफॉर्म एपरेटस, ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि आइए आइए, मतलब जैसे कि टॉर्च दिखा के लेके आता है वैसा ही टॉर्च का काम करता है ये फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कि मतलब रास्ता ढूंढने में हेल्प करता है कि किस तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टिग्मा में पोलन ग्रेन लैंड किया, लैंड करने के बाद ये स्टाइल के अंदर से यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे जैसे लैंड कर जाता है ना, धीरे धीरे वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और यही ट्यूब फॉर्मेशन होते होते क्या होगा, ये ट्यूब यहाँ से फॉर्मेशन होते 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 ये अपना रास्ता ढूंढेगा, और ढूंढते ढूंढते ये माइक्रोपाइलर एंड तक आ जाता है। जैसे ही माइक्रोपाइलर एंड तक आ जाता है, तब वो क्या करता है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में आके ये एग को फर्टिलाइज करता है। तो प्रॉपर जो पूरे प्रोसेस है उसको मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू बताया जा रहा है कि बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देखें कि प्लांट किंगडम में ये जो था, द पोलर न्यूक्ली इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल ऑफ द एंथर्स आर कैरिड बाई विंड्स और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। द पोलन ग्रेन्स टर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच टू द ओव्यूल। द पोलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रायो सैक वेयर टू मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द एग सेल सिनगैमी टू फॉर्म जाइगोट, एंड द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। तो यहाँ पे इतना कुछ अगर दिया है, तो यहाँ पे ये भी बोल देते हैं कि क्या होता है, कि पहले आता है पोलन ग्रेन यहाँ तक, मतलब वो पोलेंस यहाँ तक आया है, और यहाँ पे आके क्या करेगा वो, मतलब फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ये यहाँ तक आया, और यहाँ पे आके दो जो गैमेट था, एक गैमेट क्या करता है, इस यहाँ पे फर्टिलाइज करता है। ठीक है, इसके साथ फ्यूज होता है और फिर एम्ब्रायो फॉर्म करता है, जाइगोट होता है। और एक जो दूसरा गैमेट है वो क्या करेगा, ये पोलर न्यूक्ली यहाँ पे जो 2n है डिप्लॉयड, मतलब n n यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे वो आएगा। तो अगर यहाँ पे आता है तो क्या होगा, इसके पास देखो एक है n यहाँ पे, ठीक है, दूसरा है n, और अगर तीसरा अगर आ गया तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हुआ है, 3n, और यही क्या करता है, एंडोस्पर्म बनाता है, पेन। ठीक है, देखो द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन, बिकॉज द ऑकरेंस ऑफ टू फ्यूजन सिनगैमी एंड द ट्रिपल फ्यूजन, दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, और इसीलिए यहाँ पे 3n होती है।
तो मेन जो डिफरेंस था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वो क्या था कि जिम्नोस्पर्म का जो होता है एंडोस्पर्म वो एन होती है और एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होती है वो 3N होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, राइट? यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है क्योंकि यहाँ पे जो टू मेल गैमेट्स है वो टू मेल गैमेट आके एक तो एग को फर्टिलाइज करता है और दूसरा क्या करता है, पोलर न्यूक्ली सेंट्रल सेल में जाता है और फिर यहाँ पे आके रहता है और फिर ये 3N बनाता है। सेंट्रल सेल में ये 3N बनाता है, 3N का कंडीशन बनाता है और फिर ये पेन बनाता है और पेन हो जाता है क्या, एंडोस्पर्म। तो एंड द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो एंड द पेन डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म व्हिच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो वो क्या करेगा, नरिशमेंट में हेल्प करेगा एंडोस्पर्म। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दिस इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इंटू सीड्स एंड द ओवरीज डेवलप इंटू फ्रूट। द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म इज शोन हियर। देखो यहाँ पे क्या है, एंथर प्रेजेंट है, पहले तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, दिस इज द स्पोरोफाइट, ठीक है? ये क्या है, 2N, दिस इज 2N स्पोरोफाइट है। इसके बाद क्या होता है, स्टिग्मा में आती है, स्टिग्मा है यहाँ पे, स्टाइल है, स्टाइल के बारे में, और ये ओवरी है। और फिर यहाँ पे दोनों और एक स्ट्रक्चर दिखाए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि एंथर है और फिलामेंट है। दिस इज स्टेमेन का पार्ट है और ये क्या है, पिस्टिल का पार्ट है। और फिर क्या होता है, ये एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम देखते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर निकलता है, ये चार, ठीक है? और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम से यहाँ तक क्या था, 2N था, ठीक है? एंथर में 2N है, फिलामेंट का भी जो प्लॉइडी है वो भी 2N है, माइक्रोस्पोरेंजियम में भी 2N है, लेकिन फिर क्या होता है, मियोसिस होती है, ठीक है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो स्पोरो जेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये सारे के सारे जो चार सेल है इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी। और यहीं से शुरू होता है गैमेटोफाइटिक की जर्नी, ठीक है? ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया और फिर ये माइक्रोस्पोर से क्या होता है, माइक्रोस्पोर से धीरे धीरे एक एक का भी दिखाया गया है कि ये एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन में जैसे आ गया माइक्रोस्पोर से एक माइक्रोस्पोर, ये जो पोलन ग्रेन है इसमें दो सेल रहेगा, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा होगा जनरेटिव सेल। और फिर ये क्या करेगा, ये गैमेट्स यहाँ पे लेके जाएगा, ये जो बनाया है ना, ये पोलन ट्यूब बनाया है क्योंकि वो रहता है, वो कहीं पे जाता नहीं है, ठीक है? ये स्टिग्मा के ऊपर बैठता है और स्टिग्मा के ऊपर ये जो लाल डॉट देख रहे हो ना, सपोज दिस इज यहाँ पे बैठ रहा है और ये बैठ के ही ये स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू, इसके टिश्यू के थ्रू धीरे 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 वो पोलन ट्यूब बनाता है, ट्यूब फॉर्मेशन करता है, पूरा सेल अंदर चला नहीं जाता है, वो सेल सेल वहाँ पे ही बैठा रहता है, वो एक स्टेज के जैसे उसमें परफॉर्म करता है, क्या, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके ही ये माइक्रोपाइलर एंड तक जाएगा जहाँ पे एग प्रेजेंट है और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे ये देखो एम्ब्रायो बना और फिर ये एम्ब्रायो से वापस प्लांट बन गया। तो स्पोरोफाइट ये जो एग का यहाँ तक जो था ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन था। जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट में ये वापस से 2N हो गया, यहाँ पे भी एम्ब्रायो में भी क्या हुआ, यहाँ पे 2N बन गया, ठीक है, एवरीथिंग। और ये गैमेट तक जब था ये एन था, यहाँ पे भी एन था, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर, ऑल दीज वेर गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो यहाँ पे दो जनरेशन हम लोग देख रहे हैं, एक है स्पोरोफाइटिक जनरेशन और दूसरा है गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंजियोस्पर्म में। लेकिन ये जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो कुछ पल के लिए है, स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन है वही एकदम टोटल मतलब रूल कर रहा है। कौन सबसे ज्यादा रूल कर रहा है ये पूरे जनरेशन में, दैट इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन, राइट? तो हम लोग तीन टाइप के लाइफ साइकिल पढ़े हैं, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। इसके पहले हम लोग देखे थे जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल और उसके पहले टेरिडोफाइट्स और एल्गी ब्रायोफाइट्स, इसके भी हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप के जनरेशन हम लोग देख रहे हैं प्लांट किंगडम में। तो प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड एंजियोस्पर्म्स ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस।
दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज दैट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप के देख रहे हैं बॉडीज. जैसे कि प्लांट बॉडी, किसी किसी प्लांट में हम लोग देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा है, किसी किसी का प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है. अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे कि हम लोग जो लोअर कैटेगरी के प्लांट देख रहे हैं वहाँ पे गैमेटोफाइट इज द हीरो, ठीक है. एंड इसके बाद जैसे ही वो मैच्योर हो रहा है, मैच्योर नहीं, बेसिकली जैसे उसका और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, वो क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट इज द हीरो फॉर दिस, ठीक है. पहले जो भी बच्चा बच्चा था, मतलब उतना ज़्यादा मतलब प्रिमिटिव जो स्टेज में था वो एंड था, ठीक है, गैमेटोफाइट. और जैसे वो जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है तो ये इसके साथ साथ प्लॉइड लेवल भी बढ़ गई, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय मियोसिस. क्या हुआ भाई, वन सेकेंड. तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस. द प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स द गैमेटोफाइट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन. द जाइगोट्स ऑल्सो डिवाइड्स बाई माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई दिस प्लांट बॉडी बाई मियोसिस. दिस इन टर्न डिवाइड बाई माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉयड प्लांट बॉडी वंस अगेन. दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्शुअली प्रोड्यूसिंग प्लांट्स देयर इज एन ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. तो जैसे कि हम लोग एंजियोस्पर्म में देखे कि दो टाइप के होते हैं. एक टाइम में क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन के पहले जब गैमेटिंग स्टेज में रहते हैं उस टाइम में हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइट बोल रहे हैं उस सिचुएशन को, उस फेज को. फिर बाद में क्या हो जा रहा है, स्पोरोफाइट हो जा रहा है. तो ऐसे करके तीन टाइप के जनरेशन होती है. एक होती है क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एक होता है हैप्लॉन्टिक और दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक. तो एकदम जो एक साइड में है, ठीक है, मतलब यहां पे अगर हम लोग प्रिमिटिव लिखते हैं और यहां पे अगर मॉडर्न लिखते हैं, तो ये जो दो साइड है, इस दो साइड में क्या होगा, एकदम इस जगह में, ठीक है, यहां पे क्या होता है, एल्गी, फिर आता है ब्रायोफाइट्स, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है. नाउ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज गैमेटोफाइटिक. गैमेटोफाइट होता है, प्लांट बॉडी ही होती है गैमेटोफाइट, ठीक है. तो ये यहाँ पे होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ये यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफाइट, ठीक है, 2N. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डिप्लॉन्टिक, है ना, क्योंकि मेन जो इसका स्ट्रक्चर है वो तो डिप्लॉयड है, डिप्लॉन्टिक, ठीक है. यहां पे भी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ये भी क्या होता है, डिप्लॉन्टिक होती है. इसके बाद ये जो बीच में ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं. दीज आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक. यहां पे भी डिफरेंसेस होती है. यहां पे क्या डिफरेंसेस होती है, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइट्स के मामले में, ब्रायोफाइट के मामले में क्या होता है, ये दोनों में ही दोनों के ही क्या होता है, जो प्लांट बॉडी होती है वो मेनली स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों मिला के होता है. अब क्या होता है कि इसका जो स्पोरोफाइट है, ब्रायोफाइट के जो स्पोरोफाइट है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक
ठीक है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके फोटोसिंथेसिस, मतलब गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है कि भाई खाना दो, मुझे भूख लगी है, वॉट एवर, ठीक है। इसको एनर्जी के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन टेरिडोफाइट में क्या होता है, इसका जो स्पोरोफाइट है ये खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। तो ये खुद फोटोसिंथेसिस अगर कर सकता है तो इसको गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंटली एक साथ रहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस यही है कि एक का जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करता है कि हाँ मुझे कोई खाना बना के देगा, लेकिन यहाँ पे जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट यहाँ पे जो प्रेजेंट है दोज आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट होके ही अपना पूरा संभालता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसको, दोनों ही फोटोसिंथेसिस करता है, और ये स्पोरोफाइट जो है ये डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट। तो ये था ओवरऑल जो डिफरेंस है, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है, एक है प्रिमिटिव, दूसरा है मॉडर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी जो है इसका जो पूरे बॉडी होता है ये गैमेटोफाइट होता है, यहाँ पे बस एक जगह हम लोग देखते हैं कि ये आया है, क्या बोलते हैं उसको, स्पोरोफाइट आया है, वो क्या है, जाइगोट की फॉर्मेशन के टाइम में। इसका जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है ना यही है बस टू एन, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया यहाँ तो, देखो यही होता है टू एन। बाकी पूरे जो लाइफ साइकिल है इसके वहाँ पे कहीं पे भी स्पोरोफाइट नज़र नहीं आता है, इसका जो जाइगोट है वही है इकलौता स्पोरोफाइट। लेकिन जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही प्रेजेंट है, और दोनों में ही मतलब दोनों ही प्रेजेंट है, और बायोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर, ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते, और टेरिडोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, दोनों की बॉडी स्पोरोफाइटिक है और दोनों डिप्लॉन्टिक होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि हाउ एवर द डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग टर्म डिफर इन फॉलोइंग पैटर्न। स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंट्स बाय ओनली बाय वन सेल जाइगोट एंड देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। तो यहाँ पे सिर्फ जाइगोट ही प्रेजेंट है जो कि स्पोरोफाइट है, बाकी और कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट प्रेजेंट नहीं है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म गैमेटोफाइट एंड द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो वहां पे मैंने बताया कि इसका जो प्लांट बॉडी होती है वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। दिस काइंड ऑफ अ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड मेनी एल्गी एल्गी सच एज वॉलवॉक, स्पाइडोगाइडा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लाइमेडोमोनस रिप्रेजेंट्स दिस पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला नहीं है, ये वाला है, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बस ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है दिस इज बेसिकली द मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल, बस इकलौता एक जगह इसका जायगॉट फॉर्मेशन होता है। अब जायगॉट होने के बाद ही तुरंत ये मियोसिस बनाता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, फिर ये फिर से गैमेटोफाइट ही स्टेज में आ जाता है, और यहाँ पे फिर गैमेटोजेनेसिस होगी, सिनगैमी होगी, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। सिर्फ इकलौता जायगोट ही है जो टू एन है जो कि स्पोरोफाइट है, और बाकी फिर से ये जायगोट क्या करता है, मियोसिस करता है, रिडक्शन डिविजन, और वापस से इसका ये एन चार यहाँ पे अलग अलग सेल्स स्पोर्स बन गए, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्स बना, और स्पोर्स बनने के बाद क्योंकि ये जाइगोट क्या है, स्पोरोफाइट है, तो ये क्या बनाया है, स्पोर्स बनाया है मियोसिस के थ्रू, और मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बना के क्या करेगा, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि उसकी प्लांट बॉडी है। तो मेन जो पूरे प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि गैमेटोफाइट इज द हीरो हियर बेसिकली, ठीक है, वही डोमिनेट कर रहा है। तो जो डोमिनेट करेगा हम लोग उसी को लेंगे। तो यहाँ पे दिस साइकिल इज हैप्लॉन्टिक साइकिल, ठीक है।
हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल हो गया है, इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो देखो दोनों लाइफ साइकिल को अगर तुम कंपेयर करते हो, ये है हैप्लोन्टिक एंड दिस इज द डिप्लोन्टिक, ठीक है। तो दोनों में बस ये जो जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे, दिस इज जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, बस इसी जगह में हम लोग 2N देख रहे थे। और यहाँ पे क्या होता है, बस जहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि एंजियोस्पर्म में हम लोग जब देख रहे थे, एंजियोस्पर्म का जो यहाँ पे था, ये जायगोट का फॉर्मेशन जब हुआ, कौन सा वाला पिक्चर था, वन सेकेंड जस्ट, हाँ यहाँ पे देखो, जैसे कि जायगोट का जब फॉर्मेशन होता है, बस जायगोट के फॉर्मेशन के टाइम में ही यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रायो जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ था वहीं पे बस 2N का, सॉरी एन गैमेट का जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है वहीं पे बस N हम लोग देख रहे हैं। बाकी जो टोटल पूरे जो प्रोसीडियर है यहाँ पे, हम लोग ये वाला पूरा जो स्पोरोफाइट है ये 2N है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 2N है, वहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल वो भी 2N था, ठीक है। सिर्फ जैसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ स्पोर का, ठीक है, माइक्रोस्पोर का हो या तो फिर मेगास्पोर का हो, फिर वापस से ये क्या होता है, माइटोसिस करता है, माइटोसिस करके ये गैमेट्स बनाता है, और गैमेट्स बनाने के बाद जैसे ही उसका फर्टिलाइजेशन होती है, जायगोट फॉर्मेशन होती है, वो फिर से वापस स्पोरोफाइट में आ जाता है। तो बस ये गैमेट फॉर्मेशन के पहले, सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में ही ये क्या होता है, एन रहता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन में, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में ही ये सिर्फ एन रहता है, बाकी की ये जो टोटल लाइफ साइकिल है ये पूरा का पूरा स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, राइट। तो ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज एंड फेज ऑफ द प्लांट। गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक एंड एल्गा फ्यूकस रिप्रेजेंट्स दिस पैटर्न। तो यहाँ पे देखो एक क्या बोला है, एक एक्सेप्शन, एल्गा फ्यूकस रिप्रेजेंट्स द पैटर्न, क्या है, डिप्लॉन्टिक पैटर्न रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड इन एडिशन ऑल सीड्स बियरिंग प्लांट्स जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलोज दिस पैटर्न विद सम वेरिएशंस वेर इन द गैमेटोफाइटिक फेज इज फ्यू इन फ्यू टू मल्टीसेल्ड। तो इसके बाद आता है ब्रायोफाइट जो कि है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दिस इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो यहाँ पे देखो जैसे कि 50-50 दे रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हारा भी जो हक है हमारा भी उतना ही हक है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेंगे, दोनों मिलके रहेंगे, तुम अपना संभालो मैं अपना संभाल रही हूँ, ठीक है। तो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, मिल बांट के रह रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर। तो दोनों ही फेजेस क्या है, मल्टी सेलुलर है, हाउ एवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। तो जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रायोफाइट के टाइम में क्या हो रहा है, डोमिनेट कौन कर रहा है, गैमेटोफाइट डोमिनेट कर रहा है। क्यों डोमिनेट कर रहा है गैमेटोफाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट कर रहा है, खाना अगर जो देगा वही डोमिनेट करेगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो खाना गैमेटोफाइट दे रहा है तो डोमिनेट भी वही कर रहा है। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज न्यूट्रिशन। ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट्स दिस पैटर्न। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट के बारे में बताए हैं और मैंने वो पहले ही बता दिया आपको। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी। इट ऑल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइटिक ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। सच पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न। तो यहाँ पे आपको मिल गया है, क्या मिल गया है, दोनों का डिफरेंस, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कि एक में, वन सेकेंड, हाँ, एक में क्या होता है, एक में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिपेंड कर रहा है मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट है, ठीक है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, शॉर्ट लिव्ड है, और ये डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइटिक फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। और यहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन था, हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक था डोमिनेंट, ठीक है,
यहाँ पे हप्लॉइड गैमेटोफाइट है डोमिनेंट, और यहाँ पे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है डोमिनेंट, और वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट है, इट ऑल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट और ऑटोट्रॉफिक, इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, सच अ पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस प्लांट पैटर्न। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गा जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, सम ऑफ देम सच एज इक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया, केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस एंड एल्गी दैट इज डिप्लॉन्टिक। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिफरेंस देख रहे हैं, एक है एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया एंड पॉलिसाइफोनिया, ये और केल्प्स, ये तीनों हैं क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और जो फ्यूकस है उसको तो हम लोग पहले ही देखे हैं, दैट इज डिप्लॉन्टिक। तो ये था डिफरेंसेस, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी प्लांट किंगडम ख़त्म कर दिए, ठीक है, प्लांट किंगडम ख़त्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे क्या है, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन, और अगर नहीं समझ में आया है कुछ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बताया है, टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया है, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि मेरा ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, तो यू कैन मेल मी, इस ईमेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल में आप अपना मैं जो भी शेयर करूँगी आपको वहाँ पे मिलेगा, आप जुड़ते रहिए, ठीक है, कोई नहीं जुड़ेगा तो मैं कैसे शेयर करूँगी, राइट। तो यू कैन, और ये तो हो गया, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगर कुछ इशू हो रही है या तो फिर आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है, मैं कोशिश करूँगी बताने के लिए, ठीक है, डाउट सॉल्व करने के लिए। सो बाय।